आज है आखिरी दिन हमारी ट्रिप का। धूप में जीना पड़ेगा, धूप में भट्टी में जाए। भैया ना एकदम नए टाइप का कुलचा खिला रहे। भाई 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 भाई, 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 भाई फिसल रहा हूँ मैं। नदी तो दिख गई यार, पर वो बहुत ज्यादा ही दूर। Hey guys, welcome back to the channel। और भाई आज है आखिरी दिन हमारी ट्रिप का। काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मतलब दोबारा से बैक टू बेसिक्स हो जाएगा एकदम। बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। अभी हम आ चुके हैं जिब्बी में। तो जिब्बी में हम हॉस्टल में रह रहे हैं। जस्ट सो के ही उठे थे तो सीधा ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए, क्योंकि देखो पहाड़ों पे भाई हम मोस्टली चल ही रहे हैं, मतलब छोटी छोटी हाइक्स कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं ना, और तो बहुत तेज़ तेज़ भूख लग रही है। मतलब कसम से इतना तो मैं दिल्ली में नहीं खाता हूँ, इतना मैं यहाँ खा रहा हूँ लिटरली। ये अपना हॉस्टल है और यहाँ पर ये व्यू है, तो मतलब सही है, दिक्कत की बात तो है ही नहीं है भाई। अगर तुम पहाड़ों पे घूम भी नहीं रहे हो ना, तब भी दिक्कत नहीं है, हर जगह ही व्यू प्यारा है, और तुम्हें चाहिए क्या। और मतलब व्यू भी छोड़ो, तुम जो सांस ले रहे हो ना उसमें ही पता चलता है कि भाई कितने मजे आ रहे हैं लाइफ में। मतलब एकदम एकदम ही अच्छी, एकदम साफ सुथरी सांस जाती है अंदर, भाई मौज आ जाती है। ऐसा लगता है कि भाई ये कौन सी हवा है, ये कहाँ से चलती है, मजे से आ जाते हैं। मतलब लिटरली बेसिकली जो मैं बता रहा था आप लोगों को, ब्रेकफास्ट करने तो ही बैठ रहे हैं यहाँ पे, और हर बार डिस्कशन इतनी बड़ी होती है कि क्या खाने वाले लोग, आधा घंटा हमारे इसमें डिसाइड करने में निकल जाता है कि हम खाने क्या वाले हैं, पर डिसाइड कर ही नहीं पाते। कैसा लग रहा है लास्ट डे? एकदम चला गया भाई, सारे चला गया, सब चला गया। धूप में जीना पड़ेगा, धूप में भट्टी में जाके। और भाई मैं कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब तू घर जा रहा है वापस, कैसा लग रहा है? अरे यार भाई लग रहा है, लग रही है। तो भाई आ चुकी है अपनी मैगी और कॉफी, पीते हैं मस्त आराम से और खाते हैं और फिर मिलते हैं। सीन ये है कि खाना वाना खा लिया है और बैग वैग पैक करके निकल रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी बर्फी है। और बीच में बंजार में काफी फेमस मंदिर है, हम उधर जा रहे हैं अभी। आज मंदिर होके आए थे यार, थोड़ा पूजा पाठ भी करना चाहिए। पाप तो रोज ही करते हैं, तो पूजा पाठ कर लेना चाहिए थोड़ा। इस ट्रिप पे हमने कोई पाप नहीं किया। हाँ इसको लिया है, ये पाप हो गया, शक्ल देख लो। ठीक है भाई, पहाड़ों को पीछे पड़े रहे थे तुम मेरे चलने के लिए। हाँ ज्यादा भाव मत दे अपने आप को, गांड दियो। लोकल बस में बैठ चुके हैं और ये भाई बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि मैं इस पे चढ़ा हुआ हूँ। चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और भैया कहीं क्यों, यहीं क्यों? अपने हॉस्टल को बाय बाय करके आ चुके हैं बंजार। अब बंजार से हम यहाँ पे जा रहे हैं एक लेक पे, क्योंकि हमारी बस आने में टाइम है, तो आराम से लेक पे बैठ के चिल करेंगे। तो हम लंच के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या खाएं, तो हमें एक छोले कुलचे वाला दिखा है, सस्ते में भर के खा सकते हैं। और पहाड़ों के छोले कुलचे दिल्ली में मिलते हैं, तो चल के देखते हैं भाई, पहले टेस्टिंग करते हैं। आज के कुलचे खत्म होंगे भाई। भैया ना एकदम नए टाइप का कुलचा खिला रहे, एकदम बर्गर जैसा, उसको बीच में से फाड़ के उसमें फिर स्टफिंग डाल के फिर देते हैं। पंजाब साइड पे ऐसे ही मिलते स्टफ करके अलग से कुलचे, वो नहीं होता कि छोले अलग और कुलचे अलग। मतलब मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। बता दो कैसे लग रहा है ये? देखो मन में चीख आई आ की भाई, क्या सही चीज है ना भाई, बहुत फाड़ है यार। इंडियन हैमबर्गर आ रहा है, मतलब कैडा भाई छोले कुलचे वाला बर्गर खा रहा हूँ पहली बार, क्या सही है भाई, ये दिल्ली में क्यों नहीं मिलता है। जब हम निकल चुके हैं रिवर की तलाश में, क्योंकि हमें पता नहीं, ऑब्वियसली हम बस निकल जाते, ज्यादा सोचते नहीं है। भाई 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 फिसल रहा हूँ मैं, ये चप्पल जूती है, बंद कर दे फिर। क्या बंद कर दो भाई, उनको पता चलना चाहिए ना कि भट्टी में जा रहा हूँ मैं। पता नहीं मैं क्यों, जब भी मेरे को चढ़ना उतरना होता है ना, मैं चप्पल पहन के आ जाता हूँ, वैसे जूतों में रहूंगा मैं। नदी तो दिख गई यार, पर वो बहुत ज्यादा ही दूर है यार, हम मतलब बहुत दूर है। अभी तो हम इधर है, अब इस पहाड़ से पता नहीं कौन सा रास्ता होगा, तब जाके वहाँ पहुंचेंगे वो नदी में। जा लौंडे दिख रहे हैं नहाते हुए तुम्हें, रास्ता मिल गया, नंगे बाल वाले भाई वो तो मौत है भाई। यहाँ से कौन सा रास्ता है, हमें लोग कह रहे हैं कि रास्ता इधर से है, ये देखना कुत्ते वाले रास्ते से आ रहे हैं हम। भाई सुनो भाई, रहने दे, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ चलो जा, मैं जाऊंगा, बहुत सही हो गया एडवेंचर। अबे नहीं थोड़ा सा ये वैसे देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट पूरा पहुंच चुके हैं, तुम देख सकते हो, तुम्हें पानी की आवाज आ रही होगी, दिखा भी देता हूँ, बोरी नदी। और हम पहले कितना दूर दिख रहा है जब मैं तुम्हें दिखा रहा था, है ना। तो अब जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता बचा है अब तो,
मस्त जाके भाई बैठेंगे पानी में पैर डाल के, ओए ओए ओए, सारी जो थकान है ना एकदम ठंडे पानी से सब निकल जाएगा। मैंने शायद बीच में लेक बोल दिया था इसे, पर ये रिवर है। रिवर और लेक में बहुत कंफ्यूज होता हूँ भाई, क्या होता है रिवर की कौन सी होती है और लेक कौन सी जो बह रही है? मतलब पानी आ रहा है पर एक जगह रुका हुआ है। अच्छा, पॉन्ड होते हैं जो एक जगह से पानी है। ओके, और ये रिवर है जो मतलब बह ही जा रही है कॉन्टिन्यूस। ओके, फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं नदी के बीच में। अपने आप एक नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो भाई चल रहे हम नहाने। बहन तो बहुत ठंडा है भाई, भाई बहुत ठंडा पानी है। नहा के एकदम हो चुके हैं फ्रेश, और वह इतना अच्छा लग रहा है ना नहाने के बाद, काफी रिफ्रेशिंग था। मतलब इतना टाइम से की थकान थी वो सारी इतनी मस्त उतरी है ना। बंजार से बस लेकर अब हम आ चुके हैं और टनल, जहाँ पे हमारी मेन बस आएगी जो हमें दिल्ली लेके जाएगी। उससे पहले अभी हम पे 2 घंटे बचे हुए हैं अभी भी, तो हम यहाँ पे भी एक रिवर है वहाँ पे आ चुके हैं भाई। इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पे, इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा बड़ी रिवर है ये। रिवर है ना? हाँ भाई। जिस ब्रिज पे अपना टाइम फोड़ रहे थे बस का वेट करते करते, वहां पे आया है किसी का पेट डॉग जिसका नाम था शैम्पू। अपनी फैमिली को ले आया भाई वो मिलाने मुझसे, और शैम्पू ने जो फोटोशूट कराए हैं, जो फोटोशूट कराए हैं देखो तुम। कुत्ता भी लड़की देख के पलट गया, कुत्ता था ना।